तहसील परासिया में एबीवीपी के छात्र छात्राओं द्वारा एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि जन भागीदारी अध्यक्ष रहते हुए बल्लू नागी जी के द्वारा छात्र छात्राओं के हित पर कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए थे। छात्र छात्राओं के लिए फ्री में ऑनलाइन सेंटर खोले गए थे, फ्री कोचिंग क्लासेस चलाई गई थी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया था, परंतु जन भागीदारी अध्यक्ष बल्लू नागी जी के हटते ही यह सारी सुविधाएं कॉलेज प्रशासन के द्वारा बंद कर दी गई, जिसके विरोध में आज एबीवीपी ने विशाल ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा और मांग की गई कि अगर 7 दिन के अंदर यह सभी सुविधाएं छात्र छात्राओं के हित के लिए प्रारंभ नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी जवाबदारी कॉलेज प्रशासन और शासन की होगी। छिंदवाड़ा से ललित रघुवंशी की रिपोर्ट। चलाई जाती थी जिसमें वहाँ पर कभी आ जाता है फ्री में कॉम्पिटिशन कोचिंग पढ़ा करते थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, जैसे ही वहाँ पर जनवागीदारी अध्यक्ष बंधु मानी को हटाया गया, उसके बाद से ही ये सारी चीज़ों को वहाँ पर बंद कर दिया गया है, जिसके विरोध में सर आज हमने मंत्रालय दंडाधिकारी एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि हमारी ये सारी मांगे पूरी हो सके। हमारी सर ये वाली मांगे मुख्य है कि ऑनलाइन सेंटर वहाँ पर पुनः प्रारंभ कराया जाए, फ्री कोचिंग क्लासेस का कोचिंग चालू कराया जाए, लाइब्रेरी जो सर हफ्ते में एक बार बुक इशू हुआ करती थी वहाँ पर रोजाना बुक इशू कराने का भी हमने वहाँ पर करवाया था, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। और शिक्षक सर समय पर कॉलेज नहीं आते हैं, प्रिंसिपल सर हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 दिन कॉलेज आते हैं, उसके अलावा हमेशा छुट्टियों पर रहते हैं, कोई भी वहाँ पर संबंधित अधिकारी नहीं होता जिससे हमारी बात कर सके। और सर वहाँ पर पीने का पानी इतना गंदा हुआ करता है कि अंदर से वाटर फिल्टर पर कीड़े पड़े हुए हैं, जब भी उसको चालू करो पानी तो वहाँ छलने तो आ जाता है, लेकिन अंदर देखो सर वहाँ पर बहुत कीड़े पड़े होते हैं। इस प्रकार से सर कॉलेज प्रशासन पूरी लापरवाही बरत रहा है। हमारा आपसे निवेदन है, ये हमारा आपसे निवेदन है सर कि इन मांगों पर हमारी तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा 7 दिनों के भीतर एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगा जिसकी जवाबदारी सारे प्रशासन की होगी। जब ये तो डाउन फॉर